प्यारे दोस्तों, आज हम दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, जिससे आपको मेट्रो में सफ़र करने में कोई समस्या ना हो। दिल्ली में धीरे धीरे मेट्रो सब जगह पहुंचने लगी। अब तो केवल दिल्ली ही नहीं, हम NCR तक मेट्रो से जा सकते हैं। NCR मतलब दिल्ली, बहादुरगढ़, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम। आपको जगह जगह मेट्रो के ये सिंबल देखने को मिलेंगे, जिस पर लिखा है DMRC। DMRC का मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। चलिए, बातें करते करते तो हम मेट्रो स्टेशन तक ही आ पहुँचे हैं। यहाँ पर हमारे को पार्किंग की सुविधा मिलती है। लगभग हर स्टेशन पर यह सुविधा हमारे पास होती है। मेट्रो स्टेशन के अंदर चलने के जाने के लिए हम लिफ्ट, इलेक्ट्रिक स्टेयर या साधारण सीढ़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। मेट्रो में सफ़र करने के लिए हमें टोकन या मेट्रो कार्ड की ज़रूरत होती है। ये है हमारा मेट्रो कार्ड। कभी कभी हम इन मशीनों के द्वारा भी मेट्रो टोकन ले सकते हैं, जिससे समय व धन की बचत होती है। अब सफ़र में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास जो सामान है, उस सामान की जांच होती है। महिला व पुरुष की भी अलग अलग एंट्री गेट से जांच होती है। अब हमारे पास जो टोकन या मेट्रो कार्ड है, उसको एंट्री गेट पर टच करने से गेट खुलने पर हम अंदर जा सकते हैं। हम लिफ्ट या एस्केलेटर यानी इलेक्ट्रिक सीढ़ियों से प्लेटफॉर्म तक पहुँच सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर देखिए, हम प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, पहुंचने ही वाले हैं प्लेटफॉर्म पर। पहुंच गए हम प्लेटफॉर्म पर, वेरी गुड। अब हम प्लेटफॉर्म पर, हमारे सामने एक डिस्प्ले बोर्ड है जहां पर मेट्रो के आने का समय लिखा होता है। वहाँ पर एक पीली पट्टी से पीछे हमें प्लेटफॉर्म पर मेट्रो का इंतज़ार करना होता है। हर मेट्रो के डिब्बे में महिला, वृद्ध और विकलांगों के लिए कुछ सीटें आरक्षित होती हैं। मेट्रो में एक डिब्बा केवल महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित होता है। चलो चलो, देखें हमारी मेट्रो आ गई। आ गई हमारी प्यारी दिल्ली मेट्रो। मेट्रो प्लेटफॉर्म पर पहले जो अंदर के लोग हैं उन्हें बाहर आने दे, और फिर लाइन से अंदर चलते हैं। यहाँ पर एक डिस्प्ले बोर्ड होता है जिसमें अगला स्टेशन कौन सा आएगा ये हमें पता चल जाता है। मेट्रो के अंदर कुछ भी खाना पीना, संगीत बजाना या ज़मीन पर बैठना मना होता है। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हमको जहाँ जाना होता है वहाँ पर एक सीधी मेट्रो नहीं जाती, तब हम मेट्रो इंटरचेंज करते हैं। अब मैं आपको इंटरचेंज का मतलब बताती हूँ। मेट्रो स्टेशन से बाहर आए बिना ही एक मेट्रो से उतरकर दूसरी मेट्रो में बैठना। इसके लिए कुछ मेट्रो स्टेशन्स पर ऐसी सुविधा दी होती है, जैसे इंद्रलोक, कश्मीरी गेट, राजीव चौक, कड़कड़डूमा, जिससे हम अपने समय की बचत कर सकते हैं। हमारी सहायता के लिए
मेट्रो में मेट्रो मानचित्र यानी मेट्रो मैप, दिल्ली मेट्रो मैप और पूछताछ केंद्र बने होते हैं। मेट्रो लाइन पर चलने वाली मेट्रो को अलग अलग रंग दिए गए हैं, जैसे रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, वॉयलेट लाइन, पिंक लाइन, मजेंटा लाइन, ऑरेंज लाइन। अब हम अपने स्थान पर पहुंचने ही वाले हैं और देखो आप एक बार फिर से ध्यान से देखिए कि हर मेट्रो के डिब्बे पर उस मेट्रो के रंग की एक पट्टी भी बनी होती है। है ना? मेट्रो डिब्बे के जब हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं तो मेट्रो के डिब्बे से बाहर आने के लिए यानी स्टेशन से बाहर आने के लिए हम हमारे पास जो टोकन या मेट्रो कार्ड होता है उसका प्रयोग फिर से एक बार करते हैं। टोकन है तो टोकन को मशीन में डाल देते हैं और मेट्रो कार्ड है तो मेट्रो कार्ड को मशीन पर एक बार रख देते हैं, जिससे दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं और हम बाहर आ जाते हैं। देखिए, है ना हमारी मेट्रो कितनी सुविधाजनक। मेरे प्यारे दोस्तों, मेट्रो सड़क के ऊपर पिलर्स पर चलती है। अनेक स्थानों पर यह भूमिगत यानी अंडरग्राउंड हो जाती है, जिससे भीड़भाड़ से भी बचा जा सकता है। इससे ना तो सड़कों पर जाम लगता है और ना ही काला धुआं होता है। कोने कोने तक जोड़ती है मेट्रो हमको और घंटों का सफ़र मिनटों में पूरा करवाती है हमारी मेट्रो। मेट्रो हमारी दिल्ली की लाइफलाइन है, दिल्ली की शान है मेट्रो। थैंक यू दिल्ली मेट्रो, थैंक यू।